हमारे साथ क्या शॉट हुआ है, क्लच छोड़ने पे गाड़ी पीछे जा रही है, दादा को देखो, तो हल्की वायरिंग उल्टी लग गई इसलिए वो गाड़ी पीछे जा रही है, वो देखो। अरे भाई जाओगे पीछे, आओ। अस्सलाम वालेकुम, तो मेरा नाम है फैडी, आप देख रहे हैं फैडी जोन व्लॉग्स। तो आप लोग को पता है कि हमारी गाड़ी का थोड़ा इशू था, तो हम लोग ने बाटला कॉइल भी चेंज किए थे और वायरिंग भी चेंज किए थे और प्लग भी चेंज किए थे, तीन चीज़ें हम लोग ने चेक किए थे, फिर भी गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत ले रही थी। अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ने जो गाड़ी का सामान दिए थे वो लेने, तो देखते हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो अभी चलते हैं। दादा गाड़ी चला रहे, खूबसूरत लग रहे दादा ना, हसीन लग रहे, सीधा उधर ही मिलते लेते हैं, देखते क्या हुआ है क्या नहीं। दो दिन हो चुके दिए हुए पर वो क्या दे रहा नहीं है, ठीक है, तो देखते जाके। दादा को देखो, दादा रेड वॉल फिट कर रहे, तो हमारा रेड वॉल गया था, तो ये है अपना रेड वॉल, तो मैं बताता हूँ काफ़ी गया था, तो देखो पूरा यहाँ पे ब्रेक हुआ है और ये पट्टी है ना थोड़ा क्रॉस हो गई है, इसके वजह से अपनी गाड़ी एवरेज भी नहीं दे रही और पिकअप भी नहीं दे रही, तो हम लोग ने नया वाला लगाए, तो दादा फिट कर रहे, तो मैं बताना भूल गया, तो देख सकते हो। और ये अपना कार्बोरेटर, तो साफ़ कर रहा हूँ मैं इसको भी, तो अंदर से तो साफ़ हो चुका है, अब बाहर से थोड़ा साफ़ करना बाकी है, तो अभी देखते, पूरा गाड़ी ओपन है अपनी, देख सकते हो पूरी गाड़ी ओपन है, और यहाँ पर दादा भी है, दादा थोड़ा काम कर रहे तो करने देते, ठीक है, तो मैं कार्बोरेटर थोड़ा बाहर से साफ़ करता हूँ पूरा क्लियर, और फिर मिलते, ठीक है। ये देख सकते हो, ये है यामा RX 100 की कॉइल प्लेट, तो ये 100 की है, तो अपने गाड़ी को 135 की वायरिंग है, तो दादा ने सॉकेट चेंज किए थे क्योंकि अपनी वायरिंग 135 की है, तो और ये देख सकते हो ये पिकअप कॉइल है और ये स्टार्टिंग कॉइल है, तो ये हमारे ख़राब हो गए थे क्योंकि इशू हुआ था यहाँ पे, देख सकते हो, तो हम लोग ने ये भी चेंज किए, तो ऑयल आ रहा था बाहर, तो ये हम लोग को मिल रही नहीं थी, तो एक मैकेनिक के पास गए हम लोग, और ये हमें पुरानी वाली दो चीज़ें मिले, पर करंट जो है ना माइनस में दे रही है, तो अभी देखते क्या इशू है क्या नहीं, ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ आगे। सकते हो हम लोग ने अभी ऑर्डर किए जिसको, अभी देखते करंट दे रहा है कि नहीं, तो दादा आपको क्या लगता है देगा करंट, देखते हैं अभी क्या होता है। सकते हो दादा को फिटिंग कर रहे, तो अभी देखते कैसा क्या होता है, चला तो एक नंबर काम हो जाएगा, क्या बोलते हो दादा, ऐसा नहीं। सकते हो पिस्टन भी हम लोग ने निकाले, तो अभी इसको लेके जा रहे बोर करने, तो अभी दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है, तो चलते जा रहे व्लॉग लेने, और मैं कल फोन घर पे ही भूल के गया, तो मुझे वीडियो बनाने नहीं मिला था, तो अभी बनाने वाला हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ किसके पास दिया हो, और अभी लेने जा रहे, तो दादा को देख सकते हो, हमारा उड़न खटोला भी देख सकते हो, तो अभी चलते सीधा उधर ही मिलते, ठीक है। शिवा भाई को देख सकते हो, तो ये शिवा भाई है और ये अपना 25 नंबर का है ना, ये पिस्टन पद्धति एकदम बहुत है, क्या पिस्टन एकदम फिट हो रहा है, परफेक्ट बैठ रहा है, बोर की जरूरत नहीं, क्या बात कर रहे हैं, पिस्टन चेंज, क्या बात कर रहे, फिर आधा पैसा बचा ना, बचा। वो कौन सी सीसी का है, मतलब किसका है, इधर है,
देख सकते हो ब्लॉक पिस्टन भी फिट हो चुका है। तो रीड वॉल लगा रहे यहाँ पर देख सकते हो, तो अभी रीड वॉल लग चुका है और पिस्टन भी हमारा लग चुका है। तो पिस्टन में थोड़ा भी आवाज नहीं है, तो अब जब गाड़ी चालू करेंगे तब हम लोग को समझेगा। तो कार्बोरेटर भी देख सकते हो, तो अभी कार्बोरेटर फिट कर रहे, तो फिट करने के बाद मिलते हैं। सकते हो अभी कार्बोरेटर भी फिट हो चुका है, तो पिस्टन भी देखो अभी आप लोग कैसा यूज हो रहा है। ऊपर लेके दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। पिस्टन नया आ गया, पूरा ऑयल देखो ऊपर है, नीचे नहीं जा रहा, पहले नीचे जाता था, अब ऊपर ही रुका हुआ है। तो मजा आएगी गाड़ी चलाने, देखते हैं। अभी खाना खाने के बाद थोड़ा काम है, वो भी देखते हैं। और ये देख सकते हो पुराना वाला, पुराने वाले की तो पूरी वाट लग चुकी है, ये देखो पूरा वाट लग चुकी है। फाइनली गाड़ी चालू हो चुकी है। वो भी हम लोग ने ओल्ड मॉडल की स्प्लेंडर, उसकी कॉइल हम लोग को जूनी मिली, इसलिए हम लोग चेक करने के लिए लेके आए। तो गाड़ी चालू हो चुकी है, इंजन से थोड़ा भी आवाज नहीं है, सुनो।
फाइनली गाड़ी चालू हो गई है और इसकी कॉइल जो हम लोग ने स्प्लेंडर के डाले थे ओल्ड मॉडल, तो उसके ऊपर चल रही है, पर उतना अपने को जो पावर चाहिए उतना पावर नहीं मिल रहा है। तो इंशाल्लाह कल जाके लेके आएंगे हम लोग कॉइल। तो साउंड सुनो, साउंड फाइनली अपनी यामा RX 100 की स्टार्टिंग कॉइल आ चुकी है, तो आज इंशाल्लाह उसको फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने स्टार्ट किए थे कल रात को, तो आप लोग को दिखाया कि हम लोग ने स्प्लेंडर की ओल्ड मॉडल जो स्प्लेंडर आती है उसकी हम लोग ने कॉइल डाल के चेक किए थे कि चालू हो रही कि नहीं। हुई थी, पर उसके जो नट्स आते हैं अंदर के वो मैच नहीं हुए थे, इसी वजह से वो थोड़ा बज रहा था कर कुर। तो अभी अपनी RX 100 की कॉइल आ चुकी है, तो आज उसको फिट करेंगे इंशाल्लाह। और कल एक मफलर भी आने वाला है, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज गाड़ी को अपने चालू करके लेते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे सीधा वो कॉइल लगाते टाइम, ठीक है। तो अभी मिलेंगे। गाड़ी चालू हो चुकी है, दादा सीट लगा रहे और स्टार्टिंग कॉइल भी नई वाली लगाए जो अभी आई थी। और गाड़ी का साउंड सुनो, अभी टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे, तो अभी देखते हैं। एक टेस्ट ड्राइव लेने के बाद समझेगा कैसा हुआ है कैसा नहीं काम। तो देखते हैं, दादा को भी देख सकते हो अपन, दादा धुआं कर रहे गाड़ी का। फाइनली गाड़ी चालू हो चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है कि अब गाड़ी चालू हो चुकी है। तो पीछे दादा सीट फिट कर रहे, तो इंशाल्लाह भी देखेंगे, एक टेस्ट ड्राइव लेंगे और कल सुबह पता चलेगा कि फर्स्ट किक में गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। तो मिलेंगे, ठीक है। हमारे साथ क्या शॉट हुआ है, क्लच छोड़ने पे गाड़ी पीछे जा रही है, दादा को देखो, तो हल्की वायरिंग उल्टी लग गई इसलिए वो गाड़ी पीछे जा रही है, वो देखो। अरे भाई जाओगे पीछे, आओ, थोड़ा सीन हो गया हमारे साथ, तो अभी वापस खोल के वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दो कैसी वायरिंग लगी थी, वो हम लोग ने गाय गाय में वायरिंग कर रहे ना, तो भाई क्या आपको लगता है शॉर्ट हो गया, अभी देखते क्या हुआ है। ओ हो हो, तो मैग्नेट प्लेट और स्टार्टिंग कॉइल देखो, अर्थिंग को गई है रेड वाली, तो दादा ने थोड़ा मिस्टेक किए थे, कॉइल उल्टी लगाए थे, रेड वाली इस तरफ है और ब्लैक वाली आई थिंक सो वो वायरिंग में गई है। तो अभी इसको खोलते हैं और फिर वायरिंग चेंज करते हैं और फिर देखते क्या रिजल्ट है, ठीक है। मैकेनिक के इधर आए, जितना हम लोग से हुआ उतना हम लोग ने किए, पर वो हमारे सर के ऊपर से जा रहा था क्योंकि हम लोग ने गाड़ी फुल्ली फिट की है, पूरी फिट की है गाड़ी, गाड़ी किक में चालू भी हो रही थी। और दादा ने गेयर डाले, आगे चलने के बजाय पीछे चल रही है गाड़ी, मैं सोचा ये क्या हो गया, फुल टेंशन में मैं और दादा वापस खोले हम लोग और फिर वापस वायर इधर की उधर किए, पर कुछ ही फायदा नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं मैकेनिक आने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो हम लोग ने रात में कॉल किए थे, तो मुझे बोले कि वो टाइमिंग थोड़ा गलत हुआ रहेगा, इसी वजह से वो उल्टी चल रही है गाड़ी। पर आप लोग को क्या बताऊँ, उल्टी चल रही थी ना, मैं फुल्ली हैरान हो गया, बोले ये क्या हुआ, आगे चलने की वो पीछे।
परिंदा। आई जाई लो रे। आई कैन इजी काम। कॉइल जरा नहीं इतने फल अपन कहीं तरी लागत होता ना इकड़े टूर 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 तस होता। गाड़ी चालू हो चुकी है, आवाज सुन सकते हो गाड़ी का। तो गाड़ी को कुछ इशू ऐसा था कि हम लोग ने स्टार्टिंग कॉइल चेंज किए थे और स्टार्टिंग कॉइल तो अपनी ठीक चली, तो हम लोग ने थोड़ा स्टार्टिंग कॉइल को भी उल्टा लगाए थे और पिकअप कॉइल थी वो भी चली गई थी तो वो भी हम लोग ने नहीं लगाए और थोड़ा वायरिंग में गलती हुई थी तो वो हम लोग लेके आए। फिर मैकेनिक हमारे वो परग भाई उनने किए। तो अभी देखते गाड़ी चालू भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी गाड़ी आगे भी जा रही है। वही जैसे कि हम लोग ने लगाए थे तब पीछे की साइड चल रही थी, अब आगे की साइड चल रही है। ठीक है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अभी वो फीट बीट कर रहे हैं तो साउंड सुनो गाड़ी का। वायरिंग चालू है तो वायरिंग होने के बाद फुल्ली गाड़ी फिट करेंगे। फराग दा को देखो सकते हो वायरिंग चालू है और फराग दा भी है यहाँ पर। अभी स्विच की वायरिंग चालू है। फाइनली गाड़ी बन चुकी है हमारी तो माशाल्लाह पिकअप बिकअप में एकदम प्यारी हो चुकी है और लुक देखो अभी कैसा लग रहा है। पूरी गाड़ी को बहुत प्यारी लग रही है। तो अभी थोड़ा ब्रेक टाइट करने का है तो ब्रेक टाइट करने जा रहा हूँ। तो गाड़ी अपनी फाइनली हो चुकी है इतने दिनों के बाद हमारी सनराइज। तो कुछ अलग लग रही है कि नहीं क्योंकि मैंने स्टीयरिंग भी चेंज किया और एफजी की स्टीयरिंग डाला हो गाड़ी को और गाड़ी का लुक बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। पूरा आप लोग ने ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि गाड़ी में कितना काम था कितना नहीं। तो एक पार्ट के लिए हम लोग को बहुत दिन रुकना पड़ा स्टार्टिंग कॉइल के लिए और फिर स्टार्टिंग कॉइल हमारी मिली हम लोग को, फिर पिकअप कॉइल ने हम लोग को धोखा दे दिया तो पिकअप कॉइल के लिए रुकना पड़ा दो दिन। तो अब गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो चुकी है और पहले से बहुत बेहतर चल रही है गाड़ी और इंशाल्लाह भी देखेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक मतलब अपनी ऑर्डर आई थी, मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि अपनी ऑस्कर फिश लेने के, तो अभी ऑर्डर आई है तो वो भी लेने जा रहा हूँ तो उसका भी एक ब्लॉग सेपरेट आएगा। ठीक है तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बाय।